because you are my inspiration and I am following you. Even at that time, I have no words to say. चलते करते हैं थोड़ी ऐश, मनाते हैं थोड़े जश्न। हेलो जी, मेरा नाम मानव है। हाँ जी, हम हैं कार्तिक। सो हम दोनों आपको ले चलेंगे मनाली। कार्तिक लाया है आलू के पराठे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, बॉन्जुर, ओला, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक मानव। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो अभी हम एक हॉल्ट लिया है बीच में एट दाहोद। सो गुजरात की सड़कों से आपका भाई ब्लॉगिंग करते हुए। ट्रेन चल गई, चलो चलो चलो। देखो, दिखा तो आप लोग को काम क्या चल रहा है अपने अंदर। सो अभी हम जो काम कर रहे हैं, इधर अपने आगे लैपटॉप है, मैं कार्तिक इधर बैठे हैं और अपना एडिटिंग चल रहा है, आपके लिए ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। और रात के बज गए दस। सुबह हम पहुँचेंगे अराउंड 10 o'clock टू दिल्ली, और दिल्ली में हम रुकने वाले हैं फॉर एटलीस्ट 6 to 7 hours अगर टाइम पर पहुंच गए। एंड आफ्टर दैट वी विल टेक अ बस फ्रॉम दिल्ली एंड गो टू मनाली। तो ये पूरा प्लान है आज के व्लॉग का। और हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक तो अभी हम थोड़ा एडिटिंग करते हैं और ये ख़त्म करने के बाद हम सोने वाले हैं एंड विल गेट अप इन द मॉर्निंग द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडियन रेलवे। तो अभी ट्रेन चल रही है, वैसे लेट है ऑलमोस्ट 1 hour। तो देखते हैं दिल्ली कितने बजे पहुंचते हैं अपन लोग। पूरी रात कल मैंने एडिटिंग किया है सुबह 4 बजे तक, और अभी सुबह जाके हम खाली उसको अपलोड करने वाले हैं दिल्ली पे जाके। आज ही ब्रेकफास्ट, नाश्ता, गरम नाश्ता। बाकी कल हम लोगों को डिनर नहीं करना पड़ा और आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना पड़ा, बिकॉज कार्तिक उसके मॉम के थ्रू 8 पराठे लेके आया था जो अभी तक खत्म नहीं हुए। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम दिल्ली। हम जाएंगे अभी हौसखास विलेज। हौसखास विलेज, सो कार्तिक का एक फ्रेंड है, उसके घर जाएंगे, फ्रेश होंगे थोड़ा और देखते हैं क्या हम कर सकते हैं दिल्ली में। सो स्टेशन से अभी हमने ऊबर ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं मालवीय नगर। थोड़ा हल्का फुल्का स्टार्टर खाएंगे, उसके बाद इसके दोस्त के घर जाएंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे। अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 1 PM। डिपार्चर है 6:50 बस अपना मनाली के लिए। एटलीस्ट 5:30 को अपन निकल जाएंगे ना, तो बेस्ट रहेगा। दिल्ली में जितनी ठंड बोल रहे थे पब्लिक, उतनी है नहीं। न्यू ईयर के बाद से ठंड अभी थोड़ी कम होने लग गई है, तो हम तो फुल जैकेट वैकेट पहन के निकले थे, सोचे कि फुल ठंड होगी इधर तो, लेकिन इधर तो अपना पप्पू हो गया। अरे गुड़गांव मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना, क्योंकि शाम को निकलने का मेरे को 5 बजे के पास। बट आई वांट टू बी लाइक यू। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बन जाओ ऐसा गुड टाइम। स्टार्ट करो खाली एक बार करियर। कर लो सब्सक्राइब, इस पर आ जाएगा कुछ दिनों में आपका वीडियो। सो आफ्टर ग्रेट सिलेक्शन ऑफ चॉइस, हमें एक ऐसी जगह मिल गई है जिसमें आप हमारा सूटकेस रख सकते हैं। सो वी आर इन लॉन्ग एंड पेपर इन मालविया नगर इन न्यू दिल्ली। तो हमने अभी ऑर्डर किया है 2 वेज थाली। अभी सुबह से आप लोगों ने थोड़ा सिनेमैटिक नहीं देखा, अभी थोड़ा सिनेमैटिक 120 फ्रेम्स पर देख लीजिए। दिल्ली की सड़कों से व्लॉगिंग करते हुए नोमैडिक मानव और कार्तिक तिवारी। और खाने की बात करें, खाना लगा 45 मिनट्स आने को, बट जो खाने की क्वालिटी थी इट वाज जस्ट ऑसम मैन। हाँ जी, हम थोड़ा आए थे कार्तिक के दोस्त के उधर जिसका नाम है हितेश, और वीडियो इधर अपलोड हो रहा है आप लोगों के लिए। जब तक आप ये देखोगे वीडियो, तब तक तो आपने डेफिनेटली बहुत बार ये वीडियो देख चुके होंगे। और ये है खाना, और ये भाई है हितेश। हाय, बोलो भाई। 6 hours later। हाँ भैया, इसके बाद हम निकले अपने रोड ट्रिप पे टू मनाली फ्रॉम दिल्ली, और ये है हमारी गाड़ी। भाई क्या बोल रही है? अरे मजाक था भाई, मजाक था। ये है हमारी बस, और अभी हम रुके हैं करनाल और पानीपत के बीच। और ये है हमारी सीट, रिक्लाइन होती है अच्छे से। इधर USB चार्जर है,
और गोवा व्यू में एक चीज़ बोली थी उन लोगों ने कि अपना पर्सनल टीवी रहेगा, बट इधर कॉमन टीवी है। और क्या बताओ, आपका भाई बैठा है इधर एंटरटेन करने के लिए आपको। हाँ भैया, हम पहुँच गए मनाली और अभी हम जाएंगे होटल। आपका नाम क्या है? गौरव भाई अपने को ले जाएंगे बस स्टैंड से होटल तक, और फिर आगे का भी देखते प्लान, अगर अच्छा रहा तो इनसे हम टैक्सी बुक करा लेंगे। भाई अभी टेम्परेचर -4 दिखा रहा है, लेकिन लग नहीं रहा उतना। हाँ, लग नहीं रहा क्योंकि धूप लगी है ना, धूप अभी लगी है ना, इसलिए बेल्ट पहननी पड़ेगी। नहीं कोई भरोसा नहीं भाई, हर एक स्टेट का अच्छा। तो अभी प्लान ये है कि हम जा रहे हैं लिली इन एंड कैफे, तो हमने वो बुक किया था लास्ट नाइट goivibo.com से। और प्लानिंग ये है, हम 2 दिन रुकेंगे मनाली में और 2 दिन रुकने वाले हैं इन कसोल। सो फर्स्ट डे हम लोग प्लान कर रहे हैं जाने के लिए टू हडिम्बा टेम्पल एंड सम कैफेज, और थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करेंगे। दूसरे दिन हम प्लान कर रहे हैं टू गो टू सोलांग वैली, और बाकी के 2 जो दिन हैं वो कसोल में ट्राई करेंगे। और भैया कसोल से डायरेक्ट बस निकलती है कि फिर अपने दिल्ली के लिए उधर से मिल जाती है। ओहो, स्नोफॉल दिख रहा है थोड़ा सा, तो कल हुआ था इधर। ऐसा करो आज या लोकल साइटिंग करो, उसमें भी अच्छा जोगनी फॉल रहेगा, विशिष्ट रहेगा, हडिम्बा टेम्पल रहेगा। तो कितने का पड़ता है लोकल साइटिंग टूर? उसमें सर 800 का पड़ेगा आपको। A few moments later. तो जब तक हम लोग रूम में सामान रख रहे हैं, आप लोग थोड़ा ये होटल देख लीजिए। So with that said, thank you everyone for watching this video. If you like the video, please hit the like button down there. Subscribe to my channel and please don't forget to share this video. As always, thank you, merci, gracias, dhanyawad. Catch you soon with yet another exciting vlog. और अभी ठंड से एकदम काँप रहे, हाथ सुन पैर सुन उंगलियाँ। अभी हम शावर लेंगे और अगले दिन का व्लॉग चालू करेंगे। Till that time, bye bye.